भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे एशिया कप 2023 के तीसरे मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की है। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया यहां पर पहले बल्लेबाजी का फैसला और भारतीय टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी करने उतरी। फिलहाल आपको बता दें जो करंट अपडेट सामने आ रही है वो ये है कि 4.2 ओवरों में 15 रन टीम इंडिया बना चुकी है। अच्छी बात यह है कि कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों मैदान पर डटे हुए हैं। कप्तान रोहित शर्मा 18 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद हैं, जिसमें 2 चौके उन्होंने जड़े। वहीं शुभमन गिल अभी खाता नहीं खोल पाए हैं, 8 गेंदें उन्होंने खेली है। गेंदबाजी की बात की जाए पाकिस्तान की तो नसीम शाह 2 ओवर 3 रन कोई सफलता नहीं, शाहीन शाह अफरीदी 2.2 ओवर 11 रन कोई सफलता नहीं। अफरीदी को काफी अच्छे से टैकल किया है यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा ने शुरुआत में, लेकिन क्या जबरदस्त अभी तक गेंदबाजी देखने को मिली है भारतीय टीम की तरफ से, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि बारिश यहां पर बीच में खलल डाल चुकी है, जिसके कारण खेल जो है वो रुका हुआ है। खबरें हैं कि यहां पर ये एक स्लाइड ड्रिजल है, पासिंग शावर है, और ये जल्द से जल्द खत्म होगा, यानी कि आधे घंटे पौन घंटे के अंदर जो है ये मुकाबला शुरू हो सकता है। हालांकि बारिश काफी तेजी से हो रही है, अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम यहां पर आगे अपना अप्रोच करती है, क्योंकि डकवर्थ लुईस आज के खेल में आने वाला है। और डकवर्थ लुईस की अगर बात की जाए तो भारतीय टीम क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रही है तो इसका एडवांटेज पाकिस्तानी टीम को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं भारत को यह भी ध्यान में रखना होगा, अगर मुकाबला शुरू होता है तो रन्स भी गति के साथ बनाने होंगे, क्योंकि एक स्लो विकेट है, आसान नहीं है यहां पर रन्स बनाना। और कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम आगे अप्रोच करती है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।